लोग आके क़िबला, वो रोज़ी नहीं है, रोज़गार नहीं है, घर में बीमारी है, और जब हम कहते हैं कि ये दुआ मुख्तसर सी है, इसे नमाज सुबह के बाद पढ़ लिया कीजिए। मौलाना माफ़ कीजिएगा, नमाज सुबह तो पढ़ नहीं पाता हूँ। क्या बेगैरती है, क्या बेहयाई है, क्या जुल्म है, क्या फरेबकारी है, किसके किसको धोखा दे रहे हैं? खुदा को, नबी को, रसूल को, कुरान को, या अपने नफ्स को? किसने अकलों पे सहर कर दिया है? किस जादू में मुब्तला है? 40 दिन गुजर गए मुझे, तकरीबन 40 दिन होने वाले हैं पाकिस्तान में, न जाने कितने आए। दुआ दे दीजिए, नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो नहीं पढ़ पाते, नमाज नहीं पढ़ पाते, और दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह, चश्मे बद्दू, सबसे बड़ा इसमें आजम नमाज है, जिक्र आजम नमाज है। जो शख्स दो रकात नमाज पढ़कर जो चाहो खुदा से तलब कर, खुदा की कसम, दो रकात नमाज निसफ शब में, बतने शब में, दिले शब में, आधी रात के बाद सहर के वक्त उठो, दो रकात नमाज खुलूस से पढ़ो, जो चाहो खुदा से तलब करो। मुमकिन नहीं है कि दुआ रद्द हो जाए। नमाज सीखो, 17 जुमले हैं, 17 जुमले। जितने साहिबान इस्तेआत हैं, जितने पैसे वाले हैं, उन पर वाजिब है कि मकतब कायम करें कुरान मजीद की तालीम का, वरना बख्शे नहीं जाएंगे। वाजिब है कि आप में से हर शख्स का ड्राइंग रूम कुरान का मकतब बन जाए, उस ड्राइंग रूम में 1 घंटा रोज कुरान की तालीम हो, ताकि बच्चे सही नमाज पढ़ सकें, कुरान पढ़ सकें, ये 17 जुमले सही हो जाए, वरना शफात की उम्मीद छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि हुसैन आपकी शफात करेंगे। मजाक है दीन, जिंदगी मजाक है, आखिरत मजाक है, उसूल दीन झूठ पर मबनी है, आखिरत नहीं है। आप अंदाजा तो करें, बस ये जुमला याद रखिएगा, नमाज खुद इसमें आजम है, नमाज जिक्र आजम है। नबियों से अल्लाह ने कहा है नमाज कायम करो मेरी याद कायम करने के लिए, नबियों ने, इमामों ने हमसे कहा नमाज कायम करो खुदा का फजल व करम हासिल करने के लिए।